आज हम बनाएंगे राइस खीर यानी कि चावल का खीर। ये ओडिशा का एक पारंपरिक रेसिपी है। इसे नॉर्मली शादी ब्याह में बनाया जाता है। आप इसे कोई भी छोटे मोटे फंक्शन में भी बना सकते हो और प्रसाद के हिसाब से भी बना सकते हो। दोस्तों ये देखिए, ये देखने में भी रबड़ी जैसा है और टेस्ट में भी एकदम रबड़ी जैसा है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज का चावल का खीर बनाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल उड़ीसा स्टाइल रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिजलिंग उड़ीसा को और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। चावल का खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध के साथ 1 चम्मच चावल चाहिए और ड्राई फ्रूट्स में कुछ काजू किशमिश आपके पसंद के हिसाब से और 3/4 कप शुगर यानी कि चीनी और 2 कार्डमम यानी कि इलायची, छोटी इलायची लेंगे और 1 चम्मच तेल या घी। सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ तो देसी घी से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसके बदले नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो तेल भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं काजू डालूँगी और इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई होने के बाद किशमिश डालेंगे। किशमिश बहुत कम टाइम में पक जाता है। तो फ्राई हो चुका है, अब एक प्लेट में निकाल देंगे। बचे हुए घी में डालेंगे 1 बड़े चम्मच शक्कर। अगर आप चाहते हो कि चावल के खीर में एक रबड़ी जैसे कलर आए, जैसे कि हल्का सा ब्राउनिश कलर, तो आप इस स्टेप को जरूर फॉलो कीजिए। शक्कर को हम यहाँ पर मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे। धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध के साथ 1 चम्मच चावल ही यूज़ करूँगी। आपको मैं दिखा देती हूँ। ये चावल को मैं 10 से 15 मिनट तक भिगा के रखी थी। एकदम 1 चम्मच चावल 1 लीटर दूध के लिए। तो ये देखिए शक्कर मेल्ट हो रहा है और एक अच्छा सा कलर आ चुका है। अब चावल को डालेंगे और इसे 30 सेकेंड के लिए भुनेंगे। हम ये स्टेप सिर्फ खीर के कलर के लिए कर रहे हैं। आप चाहे तो ये स्टेप भी स्किप कर सकते हो। जितना चावल है डबल पानी देंगे, जैसे कि राइस पकाते हैं उस हिसाब से। अब हल्का सा नमक डालेंगे, जस्ट 1 पिंच। अब लीड क्लोज कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए बीच में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। चावल बहुत ही अच्छे से पक चुका है और ये देख सकते हैं चावल का कलर बहुत ही बढ़िया से चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे मैश करेंगे। आप चाहे तो इसे दूसरे बर्तन में भी मैश कर सकते हो, नहीं तो मिक्सी जार में भी उसे हल्का सा ग्राइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेम कढ़ाई में इसे मैश कर दूँगी। हम इसलिए मैश कर रहे हैं जब हम खीर बनाएंगे ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा बने। दोस्तों अगर आप बैचलर हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी है और आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए। हम यहाँ पर ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल एक ही कढ़ाई में ही बनाएंगे और टेस्ट वाइज तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब ये देखिए हमारा चावल अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें दूध डालेंगे। पहले हमें 1 कप ही दूध डालना है। चावल और दूध को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप एक साथ दूध डाल दोगे तो चावल चिपक जाता है दूध के साथ और कभी कभी गुठलियाँ भी रह जाती है। तो पहले चावल और दूध को थोड़ा सा ही दूध में दे के अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर सारे दूध डाल दीजिए।
ये लगभग एक लीटर दूध है। आप आपके क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब गैस को ऑन कर देंगे और इसे उबालेंगे अच्छे से। दूध को बीच बीच में चलाते रहिए और गैस को लो टू मीडियम हीट में ही रखिए। खीर का जो टॉप पार्ट है वो बॉईल करना, वो कुछ ज़्यादा टाइम ही ले जाती है बॉईल होने में। एक लीटर दूध को आधा लीटर होने तक ही उबालेंगे, तब भी खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बीच बीच में इसे चलाते रहिए। देख सकते हैं दूध धीरे धीरे घट रहा है। अब इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। मैं यहाँ पर हाफ कप से भी कम शक्कर डाल रही हूँ। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से ही डालिए। शक्कर डालने के बाद इसे उससे 10 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची को तोड़ के डाल देंगे अच्छा सा खुशबू के लिए। 10 मिनट के बाद अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। जो काजू किशमिश लिए थे लास्ट को ही डालेंगे। किशमिश जब आप यूज़ करते हो तो पूरे एकदम लास्ट को ही डालिए, कभी कभी किशमिश से दूध फट भी जाता है। ये देखिए बढ़िया सा रबड़ी जैसा खीर, कलर में भी बेस्ट और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए चावल का स्टार्स दूध के साथ मिलके खीर को बहुत ही अच्छे से गाढ़ा कर चुका है। और मैं आपको यहाँ पर गरम गरम सर्व कर दिखा रही हूँ। अगर आप इसे ठंडा करके फ्रिज में रख के 2-3 घंटे के बाद सर्व करोगे ये और भी टेस्टी लगता है। ये सच में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको आज का वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। जय जगन्नाथ।